नमस्कार दोस्तों, डिजिटल करेंसी के प्रति उत्सुकता जनता जनार्दन में निश्चित रूप से अब बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि रीसेंट पास्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रादर में उससे भी और पीछे थोड़ा सा चलूं तो माननीय वित्त मंत्री महोदया ने बजट 2022 भाषण में यह कहा भी था कि अब भारत में भी अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी जारी होगी। तो डिजिटल करेंसी क्या है और डिजिटल करेंसी पर हमारी अब तक की तैयारी एज भारतवर्ष क्या है, ये विषय लेकर के दोस्तों मैं आपका ज्ञानवर्धन करने के उद्देश्य से इस वीडियो के थ्रू प्रस्तुत हूं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ डिजिटल करेंसी की। डिजिटल करेंसी का तात्पर्य क्या है? डिजिटल करेंसी इज एनी करेंसी दैट्स अवेलेबल एक्सक्लूसिवली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यानी आप ये मान लीजिए कि अभी जो आप नोट के फॉर्मेट में, सिक्के के फॉर्मेट में करेंसी देखते हैं, डिजिटल करेंसी वैसी कतई नहीं है। यानी आपको कोई नोट के रूप में डिजिटल करेंसी नहीं दिखेगी। डिजिटल करेंसी पूर्णतया एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल करेंसी कही जाती है। ये जो परिभाषा मैंने यहां देने की कोशिश करी है दोस्तों, ये कोई ऑफिशियल परिभाषा नहीं है, ये केवल एक हमारी अंडरस्टैंडिंग की दृष्टि से मैंने अपनी बात रखने की कोशिश करी। अब आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए फॉर्म्स ऑफ डिजिटल करेंसी के, डिजिटल करेंसी के क्या टाइप्स हो सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी, आप लोगों ने बहुत सुना क्रिप्टो करेंसी पर, रीसेंट पास में क्रिप्टो करेंसी में काफी गिरावट भी देखने को आई। दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जो क्रिप्टो करेंसी चलती है, बहुत से नाम हैं यहाँ पर, बिटकॉइन भी, इथीरियम या ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली क्रिप्टो करेंसी को कोई लीगल मान्यता उपलब्ध नहीं होने की वजह से उसके प्रति लोगों में संदेह बना रहता है। स्टेबल कॉइन्स, स्टेबल कॉइन्स क्या है? ये क्रिप्टो करेंसी का ही एक टाइप्स है जिसकी बैकिंग होती है। बैकिंग यानी उसके पीछे कोई करेंसी हो सकती है या कोई गोल्ड की सिक्योरिटी भी हो सकती है। और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका इस वीडियो से भी लेना देना है, सेंट्रल बैंक डायरेक्ट करेंसी। यानी हर देश का एक सेंट्रल बैंक, भारतवर्ष का सेंट्रल बैंक हुआ दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो डिजिटल करेंसी इशू करेगा उसको हम सेंट्रल बैंक डायरेक्ट करेंसी, सीबीडीसी कहेंगे। तो दोस्तों ये जो सेंट्रल बैंक डायरेक्ट करेंसी है, इसके संदर्भ में कुछ और क्लैरिटी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। दैट अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज अ डिजिटल करेंसी दैट इज इशूड एंड ओवरसीन बाय कंट्रीज सेंट्रल बैंक। जैसे अगर इंडिया में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इशू होती है तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी सपोर्टिंग देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज में जब हमने निवेश की बात करी या क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांजेक्शन्स की बात करी, तो हमारा उसमें एक विश्वास नहीं जमता कि क्रिप्टो करेंसीज में काम करना कितना सुरक्षित है। लेकिन जब आपको पता है कि आप एक ऐसी डिजिटल करेंसी में काम कर रहे हैं जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मान्यता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक बैकिंग है, तो आपका उस डिजिटल करेंसी में विश्वास बढ़ता है। सीबीडीसी इज वर्चुअल मनी बैक्ड एंड इशूड बाय अ सेंट्रल बैंक। एज क्रिप्टो करेंसीज एंड स्टेबल कॉइन्स हैव बिकम मोर पॉपुलर, द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स हैव रियलाइज्ड दैट दे नीड टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव और लेट द फ्यूचर ऑफ मनी पास देम बाय। तो हुआ क्या दोस्तों, रिसेंट पास्ट में, पिछले कुछ ईयर्स में रादर आई कैन से, क्रिप्टो करेंसीज स्टेबल कॉइन्स ने जो सेंट्रल बैंक द्वारा इशू किए गए करेंसीज हैं उनको काफी हद तक चैलेंज किया है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म बहुत बड़े लेवल पर काम करता है और उसमें सेंट्रल बैंक के रेगुलेशंस भी नहीं लागू होते। तो अगर एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे, फॉर एन एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग के पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं, एंटी टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू आप देखते हैं, तो सीबीडीसी एक बेहतर विकल्प होगा एज कंपेयर टू क्रिप्टो करेंसीज एंड स्टेबल कॉइन। In CBDC regime, instead of printing money to which we call fiat currency, the central bank issues electronic coins or accounts which are backed by full faith and the credit of the government. सबसे important बात क्या है दोस्तों, कि CBDC central bank direct currency को, जो कि printing format में नहीं होगी, यानी note जैसे आज हम कागज के note अपने हाथ में रख सकते हैं, ये उस format में नहीं होगा, electronic format में होगा, लेकिन हमारे पास एक पूरा faith है कि इसके पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की बैकिंग होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे लिए होगा जो हमारे माइंड का मेकअप करेगा, क्योंकि वी मे ऑल्सो पॉजिटिवली थिंक अबाउट सेंट्रल बैंक डायरेक्ट करेंसी।
अब दोस्तों आपसे बात करता हूं WIP ऑन CBDC, वर्क इन प्रोग्रेस ऑन CBDC। और मैं यहां केवल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात कर रहा हूं कि सेंट्रल बैंक डायरेक्ट करेंसी पर ग्लोबली क्या वर्क इन प्रोग्रेस है। 105 कंट्रीज रिप्रेजेंटिंग 95% ऑफ ग्लोबल GDP आर प्रेजेंटली एक्सप्लोरिंग CBDC। यानी CBDC का ऑप्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग 105 देश जो वर्ल्ड GDP का 95% रिप्रेजेंट करते हैं, वो आज की डेट में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। 10 कंट्रीज और सेंट्रल बैंक्स हैव ऑलरेडी लॉन्च देयर डिजिटल करेंसी। ये कुछ देशों के नाम हैं जिन्होंने ऑलरेडी सेंट्रल बैंक डायरेक्ट करेंसी जारी कर दी है। CBDC इज एम टू एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम। कि प्रेजेंटली जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है उसको CBDC के थ्रू एक नया ऑल्टरनेटिव देने का भी विचार या देने का भी एक प्रारूप प्रक्रिया में है। आइए दोस्तों कुछ पॉइंट आपके सामने ऐसे रखता हूं। व्हाट आर द मोटिवेशंस फॉर इशूइंग CBDC, सेंट्रल बैंक डायरेक्ट करेंसी या डिजिटल करेंसी को इशू करने का कुछ बैकग्राउंड क्या हो सकता है। प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग इजी एंड सेफर एक्सेस टू मनी फॉर अनबैंक्ड एंड अंडरबैंक्ड पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है दोस्तों? फाइनेंशियल इंक्लूजन टर्म का मतलब होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अफोर्डेबल तरीके से फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा सकें। तो डिजिटल करेंसी के थ्रू ऐसा माना जा सकता है कि वो लोग जो कि बैंकिंग से वंचित हैं या जिन्हें पूर्णतया बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिल रही, उन तक भी पहुंचा जा सकेगा। इंट्रोड्यूसिंग कंपटीशन एंड रेजिलियंस इन द डोमेस्टिक पेमेंट मार्केट विच माइट नीड इंसेंटिव टू प्रोवाइड चीपर एंड बेटर एक्सेस टू मनी। सो एक तरीके से एक कंपिटेटिव माहौल तैयार कराना या रोबस्ट माहौल तैयार करना डोमेस्टिक पेमेंट मार्केट में, जिससे कि चीपर तरीके से यानी सस्ते तरीके से और अच्छे सुदृढ़ तरीके से मनी के फ्लो को सुनिश्चित किया जा सके। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन पेमेंट्स एंड लोअरिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट। दोस्तों ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लोअर करना, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल RTGS NEFT में भी अगर बैंक कोई चार्जेस लेता है और जब वो ट्रांजेक्शन डिजिटल में होंगे और ऐसा ही कुछ बेनिफिट लोग क्रिप्टो में तलाशते हैं, तो जब आपको क्रिप्टो प्लेटफॉर्म की जगह पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा तो आप अपने पेमेंट को करने के लिए और स्वतंत्र महसूस करेंगे और आपको कम चार्जेस लगेंगे, तो ये भी आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। क्रिएटिंग प्रोग्रामेबल मनी एंड इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी इन मनी फ्लोस एंड प्रोवाइडिंग फॉर सीमलेस एंड ईजी फ्लो ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट में कोई करेंसी है तो उसका कंट्रोल और उसके इंपैक्ट को, कि आपने कुछ भी RBI ने कोई मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी लेवल पर कुछ चेंजेस किए सरकार की ओर से, तो उनका तुरंत इंपैक्ट आपको डिजिटल करेंसी के ट्रांजेक्शंस पर देखने को मिलेगा। तो ये भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू CBDC के नजरिए से देखने को आने वाले समय में रहेगा। अब दोस्तों आपसे बात करता हूं की चैलेंजेस फॉर CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के संदर्भ में कुछ चैलेंजेस जो एनविजाज किए जाते हैं, क्योंकि ये चैलेंजेस हमें हो सकता है आने वाले समय में देखने को मिले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के साथ। इट मे कॉज इनिशियल रिस्क फॉर बैंक, कि हो सकता है बैंक्स को इस डिजिटल करेंसी के फ्लो को नियंत्रित करने के लिए कुछ रिस्क इनिशियल पीरियड में देखने को मिले। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क इजी वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उनमें ऐसी पॉपुलेशन दोस्तों जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को मैनेज कर पाए, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पर अपनी ग्रिप रख पाए, अगर वो पॉपुलेशन की संख्या कम है या वो पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन ज्यादा है जो कि डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को मैनेज नहीं कर पाएगी प्रॉपरली, तो फिर साइबर अटैक्स की संभावना भी रह सकती है। कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि इवन बैंक्स के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक के लिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मैनेज करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना करके चलना पड़ेगा जो इसके सफल होने को कहीं ना कहीं लिमिट कर सकती है इनिशियली। मे इन्वॉल्व नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंट्री। जिस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं फिएट करेंसी यानी नोट्स में, मैं इस रिस्क को केवल एनविजाज कर रहा हूं अपनी दृष्टि से, कि फेक करेंसी नोट बना करके हमारे देश में चलाए जाते हैं, उसी प्रकार दोस्तों डिजिटल करेंसी अगर मान लीजिए किसी फॉर्मेट में पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो और वो पासवर्ड को कोई हैकर हैक कर ले, तो आप समझ सकते हैं कि उसका कहीं ना कहीं एक लार्जर लेवल पर नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पर भी इंपैक्ट
आ सकता है। ये कुछ लिमिटेशन इनिशियली जो मार्केट में चल रही हैं डिस्कशन में, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब जो मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स दोस्तों रखे हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में जो इंडियन सीबीडीसी आएगी, यानी जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बोला कि इस साल डिजिटल रुपी इशू होगा, ऐसे ही आरबीआई ने इस विषय पर आगे काम करना शुरू किया, तो ई रूपी, डिजिटल रूपी विल बी द नेम ऑफ इंडियन सीबीडीसी। तो हमारी जो भारतीय सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी उसका नाम होगा ई रूपी। तो ये ई रूपी का एक साइन मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो आने वाले समय में आपको ये साइन बहुतायत के साथ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आपके सामने ये भी बात रखता हूं कि हैज आरबीआई इशूड एनी कॉन्सेप्ट नोट ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर कोई कॉन्सेप्ट नोट इशू किया है, क्योंकि कुछ लोगों की क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ सर हम भी तो जाने कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या है। फॉर्चुनेटली दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट डेटेड 7 अक्टूबर 2022 के थ्रू एक कॉन्सेप्ट नोट इशू किया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, विच एक्सप्लेन्स द ऑब्जेक्टिव चॉइसेस बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ इशूइंग सीबीडीसी इन इंडिया। फर्दर दिस नोट एक्सप्लेन्स टू की पॉइंट्स, तो दो की पॉइंट इस नोट के थ्रू आ रहे, टू क्रिएट अ डिजिटल रूपी दैट इज एज क्लोज एज पॉसिबल टू अ पेपर करेंसी, यानी आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है कि जैसे आप पेपर करेंसी फिएट करेंसी में डील करते हैं, उसी प्रकार आप डिजिटल करेंसी डिजिटल रूपी में आने वाले टाइम में डील करेंगे, एंड टू मैनेज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डिजिटल रूपी इन अ सीमलेस मैनर, कि एक सीमलेस मैनर में, यानी जिसे कह सकते हैं हैजल फ्री मैनर के अंदर ये डिजिटल रूपी हमारे कंट्री में हमारी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस हो, ये आरबीआई के इस कॉन्सेप्ट पेपर के थ्रू आपको पढ़ने को मटेरियल मिल सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेदर सीबीडीसी और ई रूपी इज ऑलरेडी लॉन्च्ड इन इंडिया, तो मैं इस संदर्भ में आपका ज्ञानवर्धन ये करना चाहता हूं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई ऑन 3rd of November 2022, यानी रिसेंट पास्ट में, लॉन्च इंडिया फर्स्ट डिजिटल रूपी पायलट प्रोजेक्ट फॉर द होलसेल सेगमेंट। होलसेल सेगमेंट का मतलब है बैंकों को, अभी कुछ सिलेक्टेड बैंकों को अलाउ किया है कि उनके सर्टेन नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ई रूपी होलसेल प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए जाएंगे। और आरबीआई ये भी कह रही है दैट रिटेल पायलट प्रोजेक्ट इज ऑल्सो प्रपोज टू बी लॉन्च सून। सो हम माने या ना माने, हम चाहें या ना चाहें, डिजिटल रूपी इज हेयर टू स्टे। तो दोस्तों डिजिटल रूपी जो भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगा, वो आने वाले समय की ऐसी करेंसी है जिसमें आप और हम कुछ ही दिनों में या कुछ हफ्तों में ट्रांजेक्शंस करना हो सकता है शुरू करें। तो एक माइंडसेट हमारे दिमाग में कैसा हो उस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर के, आज की इस वीडियो के थ्रू मैंने वो कुछ पक्ष आपके सामने रखने की कोशिश करी जिस दिन रिटेल फॉर्मेट में, यानी जनता जनार्दन के लिए डिजिटल रूपी के ट्रांजेक्शन शुरू होंगे, और वहां पर भी मुझे लगेगा कि मैं कुछ आपका ज्ञानवर्धन कर सकता हूं, तो मैं उस संदर्भ में भी एक वीडियो बना करके आपका ज्ञानवर्धन करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको इस वीडियो का कंटेंट ज्ञानवर्धक लगा हो। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।